जी जनाब, ये खूबसूरत मिली नगमा हम सबकी समातों में, हम सबकी यादों का एक खूबसूरत हिस्सा है। और क्यों ना हो, इतना खूबसूरत तर्जमानी हमारे मिली जज्बात की जो इसमें हमें नज़र आती है, उस अहद के जो मिली नगमे हैं वो तो उससे मामूर और मुज़य्यन है, लेकिन अब हमें इतनी खूबसूरती, इतनी नगमगी, इतना जिसे कहते हैं तासुर, वो कमी दिखाई और सुनाई देता है। 1982 जब निसार बज़मी साहब की ये धुन, जिसमें ख्याल जिन शख्सियत का है उनको आज हमने यहाँ पे बुलाया है, जिनसे आपकी मुलाकात कमी हुई होगी, क्योंकि हमने आलमगीर साहब को देखा है गाना गाते हुए, हमने सुना है शोएब मंसूर की प्रोडक्शन है, हमने ये भी शायद सुन रखा हो कि निसार बज़मी साहब की धुन है, लेकिन शायर जो हैं वो मेरे आज मेहमान हैं। मेरे साथ हैं जनाब ताहिर परवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। आप से इतनी शनासाई क्यों नहीं हमारी है, जबकि आपके गाने से इतनी हमारी जो है अकीदत और मोहब्बत और इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। जी जी, तो फिर आप कहाँ इतने खोए रहे, गुम रहे के सामने नहीं? मैं नहीं खोया रहा। हाँ। मैं, मुझे ये है कि खुदनुमाई पसंद नहीं है। ठीक है। और जैसे आपने बुला लिया, इससे पहले भी जो लोग बुलाते रहे हैं, मैं जाता रहा हूँ, मैं छुपा कहीं नहीं। ठीक। लेकिन यह कि वो कारे जीस्ट जो है ना, वो आपको बाज़ जगहों से मजबूर कर देता है आने जाने से। हाँ। लेकिन यह कि मैं मुतहर्रिक रहा हूँ, अब भी मुतहर्रिक हूँ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना चाहिए कि ये प्लैटिनम जुबली है मेरी। अच्छा। आई एम अटेनिंग एज ऑफ 73 नाउ। अच्छा, ग्रेट। वो कहते हैं ना, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार की। जी जी। तो मेरा ख्याल गम रोजगार ही ज्यादा लाहक रहा। गम रोजगार को भी मैंने ऐसे लिफ्ट नहीं कराई, नहीं, इसी तरह अदा किया है गम रोजगार को, झीला है कि जैसे कोई खेल होता है। अच्छा जी, ये तो बड़ा अच्छा, फिर आपने उसको झेला, वरना तो ये वो कहते हैं ना कि मतलब मुझे फैज साहब का याद आ रहा है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, हमने सब कुछ किया, हमने सब कुछ किया। अच्छा, तो ये सब कुछ बैलेंस हो गया, कोई काम? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बैलेंस हो जाता है। अच्छा, तो आपने फिर अपनी शायरी को कोई एक मजमूए कलाम की शक्ल भी दी, कोई तसानीफ की? अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, जैसे आपने कहा ना कि ऐसे मिली नगमे अब नहीं आते, उसकी वजह कि हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई है। अब इस वक्त अगर आप देखें तो ये किताबें शाया करना, एक तो किताबों में लोगों की दिलचस्पी नहीं रही, अब हर चीज़ छोटी सी आपके हाथ में है, उसमें हर चीज़ है आपकी जी। आपको लेटर बॉक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से मैसेज भेजते हैं, आपको जवाब आ जाता है, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता खत के इंतज़ार जवाब का। इसी तरह ये जो किताब है वो इसके ऊपर आ गई है, तो अब वो रुझान किताब से हट चुका है लोगों का, वो नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। सही। अब आप देखें लाइब्रेरियों की रौनक है या नहीं है, लाइब्रेरियाँ मादूम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, और जहाँ हैं वो पढ़ने वाले नहीं हैं वहाँ पे। तो इसलिए आपने फिर सोचा कि किताब शायद करने मैं का करने। मैं ये समझता हूँ कि आप वो कहते हैं ना कि बेस्ट सेलर जिसे कहते हैं, तो बेस्ट सेलर जो है ना वो आपकी कोई एक आध चीज़ ही होती है, तो बेस्ट सेलर आ जाए सामने, उसके बाद आप मेरे ख्याल में आराम करना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो आपके ख्याल में फिर बेस्ट सेलर आपका क्या है? हमें तो ये नगमा ही आपकी याद सबसे ज़्यादा। नहीं, मेरे इसके अलावा भी और नगमे हैं, जैसे और जो बहुत से चैनल से चले हैं, और
माजवीन कज़लबाश ने भी मेरे गीत गाए हुए हैं। कुछ हमें मतलब अपने बोल तो उनके कुछ उनकी शायरी तो सुनाइए। अच्छा, एक तो आजकल चूंकि बरसात का मौसम है, सावन का, तो चंद एक अशार नज़्म के जो याद आते हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है। उन्वान है, हमेशा ऐसे मौसम में मुझे तुम याद कर लेना। सही। घनेरे बादलों से कूदती हूँ बिजलियाँ जिस दम, घनेरे बादलों से कूदती हूँ बिजलियाँ जिस दम, जमीन पर नाचते कतरों की गूंजे जब चमा चम चम, घनेरे बादलों से कूदती हूँ बिजलियाँ जिस दम, जमीन पर नाचते कतरों की गूंजे जब चमा चम चम, छिड़ उठे खुद ही दिल के तार पे जब प्यार की सरगम, कमी शिद्दत से जब महसूस मेरी हो तो ऐ हमदम, हमेशा ऐसे मौसम में मुझे तुम याद कर लेना। सही। तो ये नज़्म का एक बंद मैंने आपको सुना दिया। गज़ल है कि एक नहीं को तेरा इनकार नहीं कह सकते। अच्छा। एक नहीं को तेरा इनकार नहीं कह सकते और एक हाँ को भी इकरार नहीं कह सकते, जिसमें शामिल ना हो ईसार वफा की खुशबू, ऐसे रिश्ते को कभी प्यार नहीं कह सकते। और तुमसे कहने के लिए एक ज़माना सोचा, तुमसे कहने के लिए एक ज़माना सोचा, अब वही बात तो हर बार नहीं कह सकते। वाह। तो ये जो मुतफरक, एक तो ये साइड हो गई, और वतन के लिए बहुत कुछ लिखा है, और अपने फौजी भाइयों के लिए एक मेरा मिली नगमा है, वो बल्कि ISPR ने प्रोड्यूस भी किया, कि ना झुकने वाले हैं ना दबने वाले हैं, हम पाकिस्तान की इज्जत अजमत के रखवाले हैं। वो इस किस्म की चीजें मेरी चलती रहती हैं। बिल्कुल सही। तो ये किसी खास मूड में लिखते हैं, ये जैसे ये नगमा लिखा था आपने? जी ये, हाँ, इस नगमे का आपको मैं बता देता हूँ। मैं अपना, मेरा तारुफ नामुकम्मल है अगर मैं अपने वालदैन का जिक्र ना करूँ। ठीक। मेरे वालिद बरे सगीर के उर्दू पंजाबी और पश्तो के शायर अल्ताफ परवाज। अच्छा। और सहाफत से उनका ताल्लुक रहा, मेरी भी इब्तदा सहाफत से ही हुई, और वालदा मेरी बेगम नसीम अल्ताफ वो खातून हैं जिन्होंने लाहौर सिविल सेक्रेटरीट से ग़ुलामी का निशान यूनियन जैक उतार कर सब्ज़ हिलाली परचम लहराया था तहरीक पाकिस्तान में, और दोनों को कारकुनान तहरीक पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। ठीक। तो ये हमारी जिस घर में ये हमारी परवरिश हुई है उसमें एक तो ये वतन से मोहब्बत घुट्टी में डाली हुई, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें अदब से जो है वो बहुत करीब रखा गया। हमारे घर में किताबें जो हैं वो ज़्यादा होती थी, और मेरा ख्याल में आज तक वो सारी किताबें नहीं पढ़ सका। अच्छा। तो अब भी मेरे पास मेरी अपनी लाइब्रेरी है, और बस ये है कि उन दोस्तों से गिला है जो किताबें ले जाते हैं फिर वापस नहीं देते। सही। तो ये एक बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी था बताना। और मैं वालिद साहब की जो मतबूआ किताबें हैं वो तो कोई 85 के करीब हैं, जिसमें नसर भी है, शायरी भी है। उनकी अपनी एक मिली नगमों की किताब मिट्टी की महकार, तो एक यहाँ मैं वाजे कर दूँ, बाज़ लोग लफ्ज़ मिट्टी पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, ये मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी की महकार। तो ये जब कंपटीशन अनाउंस हुआ तो मेरी पोस्टिंग थी पिशावर में, मैंने वाले साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी वो एक कंपटीशन आ रहा है तो आप उसमें मिली नगमा लिखे। उसने कहा पागल हो गए हो तुम लिखो, मैं क्यों लिखूँ? मैंने कहा जी आप हिस्सा लें। कहते मैं क्यों हिस्सा लूँ, तुम लिखो। तो मैंने जब लिखना चाहा तो मैंने अभी आपसे बात की थी खत की, हमारे पास उस वक्त वो होता था राइटिंग पैड, ठीक, जिसमें हम दोस्तों को खत लिखा करते थे। ठीक। और वो रात का वक्त था, मेरे जहन में एक लाइन आई यही ख्याल रखना की, तो मैंने मेरे साथ एक मेरे इंफॉर्मेशन के ही दोस्त थे इकबाल हुसैन शाह, वो कहने लगे यार लाइट ना जलाओ ताहिर, मेरे रूममेट थे,
तो मैंने ऐसे ही उस पर ना गत्ता था, कागज़ ख़त्म हो चुके थे राइटिंग पैड के, गत्ता था तो कलम उठाया मैंने, अंधेरे में लिखना शुरू कर दिया, ख्याल रखना जो जो दिमाग में आ रहा था वो लिखता गया मैं, और हो गया। सुबह उठा तो मैंने उसको फेयर किया, फेयर करके मैंने उसको भेजा। सही। और फिर मैं गालबन छुट्टी पे लाहौर गया हुआ था, तो वहाँ रेडियो चल रहा, रेडियो से कोई खबरें आ रही थी, तो उसमें मेरे किसी अजीज़ ने कहा तुम्हारा नाम अभी पुकारा गया। तो मुझे समझ नहीं आया, कहते कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर तुम्हारा नाम लिया। तो जनरल मुजीब थे सेक्रेटरी उस वक्त इसके इन्फॉर्मेशन के, तो उन्होंने चंद एक नाम जो है वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, ये कोई 2000 के करीब शायरों ने पूरे पाकिस्तान से हिस्सा लिया था, और उसमें मेरे अलावा सैयद ज़मीर जाफरी साहब, सैफुद्दीन सैफ और एक दो और नाम थे, मुझे अब याद नहीं आ रहे। तो 5 नगमे, तो ये कंदील के नाम से प्रोग्राम था, 14 अगस्त 1982 को ये प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर गया पीटीवी का। और एक आपका मिली नगमा था, और कौन सा था इसमें मिली नगमे, याद है आपको? हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम जी, ये किन का लिखा हुआ था? मुझे नहीं याद। अच्छा, और इसके अलावा, इसके अलावा भी कोई और मिली नगमा था? और भी थे, मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा। ठीक है, सही। आपको अंदाजा था कि जो आप रात के अंधेरे में लिख रहे हैं वो इतने आने वाले वक्तों के लिए भी वो एक इतनी मजबूत तहरीर बन जाएगा, एक इतना मजबूत हवाला बन जाएगा वतन से मोहब्बत का? मैं तो ये कहूँगा कि ये अल्लाह की मेहरबानी है, मैं कभी भी इस अंदाज से ना सोचता हूँ कि जो चीज़ मैंने कही है वो उसको पजीराई मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं अपनी तस्कीन के लिए लिखता हूँ, और मेरी तस्कीन इसी में है कि ये सब्ज परचम तमाम आलम में मोहतरम हो, वकार इसका कभी ना कम हो, कभी ना कम हो, ख्याल रखना। ये बेस्ट, बहुत नॉस्टैल्जिक है ये उस वक्त जो आपने लिखा था तब भी नॉस्टैल्जिक था, लेकिन आपने जो अपना बैकग्राउंड बताया है ना, फैमिली का बैकग्राउंड, अब इट ऑल मेक सेंस, अब सारी चीज़ें अपनी जगहों पे जुड़ती हैं कि आपके जहन में वो सारी कहानी, वो सारा सफ़र भी था और आगे की मंजिल भी थी। बिल्कुल। तो आपके आपके मिली नगमे ने भी उसी तरह उस सफ़र को और उनकी तमाम नसीहतों को और आने वाले सफ़र और मंजिल को जो है उसको वो किया। अंदाज़ा था कि इसको निसार बज़मी साहब की धुन मिलेगी और आलमगीर इसे गाएंगे, आलमगीर उस वक्त के एक बड़े, आपको एक, हाँ, आपने आलमगीर का जिक्र किया, हमारे एक दोस्त हैं कराची में, तनवीर आफरीदी, तो वो इसी शोबे से मुंसलिक हैं। जी, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह, हमारे बड़े अच्छे सिंगर हैं। हाँ जी, उन्होंने एक दिन मुझे कॉल की, ये पिछले साल की बात है, कि ये ज़रा बात करें, आपको कोई मिलने बात करना चाह रहे हैं। तो वो जब फ़ोन दिया तो आवाज़ आ रही थी नए दिनों की मुसाफतों को उजालना गा कर, तो मैंने कहा आलमगीर, वो आलमगीर को उन्होंने फ़ोन दिया और वो गा के मुझे सुना रहा है, कहता है मैं तो आपको ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा 40 बरस से ज़्यादा हो गए हैं मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मेरा कोई रब्ता नहीं, अब तो मेरे पास फ़ोन भी, नंबर भी है उनका, रब्ता भी है। तो आलमगीर वाज आल्सो सरप्राइज, मैं भी सरप्राइज, 40 साल के बाद हमारी कहीं बात हुई। और फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा एक दफ़ा पेशावर में एयरफोर्स का कोई फंक्शन था, तो उसमें तुम आए हुए थे वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे अपना नगमा तुम्हारे मुँह से सुना वहाँ पे, और मेरी ख्वाहिश थी कि तुमसे मुलाकात हो जाए, लेकिन रश था इतना मुलाकात नहीं हो सकी। ठीक है, क्योंकि बहुत खूबसूरत गाया, और उसमें ख़ास तौर पे जो हमिंग बेंजामिन सिस्टर्स ने की, वो जो है वो भी उसने भी लाजवाब मास्टरपीस था ना, ये हर लिहाज। देखिए इसमें निसार बज़मी साहब की कॉम्पोजिशन, क्या बड़ा नाम वो म्यूज़िक कार, क्या खूबसूरत ये कॉम्पोजिशन है कि उन्होंने उस तमाम चीज़ को जैसे उजागर कर दिया उसकी खूबसूरती को। फिर आवाज़ कितनी खूबसूरत आलमगीर की। फिर शुएब मंसूर एक दफ़ा मेरे पास यहाँ इस्लामाबाद मेरी पोस्टिंग थी, तो यहाँ मेरे दफ्तर में आए, कहने लगे एक मिली नगमा लिख दें, जुनैद जमशेद ने गाना है। तो मैंने कहा अच्छा लिख, लेकिन
उसकी जो अस्थाई है जो बोल है शुरू के कहते वो उसने लिखे हुए हैं, ठीक, बाकी आपने नगमा लिखना है। और अस्थाई उसकी है कि दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। मैंने उससे माजरत की, मैंने कहा अगर वो उसके लिखे हुए बोल हैं और मेरे नाम से चलेंगे तो मैं नहीं लिखूंगा, और मैंने नहीं लिखा। फिर वो फिर हमारे बहुत प्यारे दोस्त अल्लाह अगरी की नफरत करे उन्होंने इसको मुकम्मल किया। लेकिन कभी अफसोस होता है कि मैं कर देता मुकम्मल तो ये भी नहीं, उसकी वजह है, देखिए आपकी जो तबाजात शायरी है ना, जो वो चीज़ वो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। मैं अपने इस नगमे के एक एक लफ्ज़ पे क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन उस पर मैं उसकी अगर स्थाई मुखड़ा ही उसका जो है वो अपना अगर वो इस अंदाज में पहले से कहा हुआ है तो मैं तो नहीं कर सकता था। ठीक है, निसार नासिक थे जिन्होंने फिर इसको मुकम्मल किया था दिल दिल पाकिस्तान। बिल्कुल, हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Yeah।